सबको राम राम। प्याज की सबको राम राम। प्याज की जगह बड़ी बढ़िया जगह। इस जगह के बारे में सारी डिटेल कब जाना चाहिए वो सब वीडियो के एंड में है, दौरान भी है। और आज हम अंदर से जा रहे हैं, ना कि मेन हाईवे से, ताकि अंदर की कंट्री साइड देख सकें। ये जगह सिडनी से 2 घंटे दूर है। ये हम जा रहे थे उधर, तो वहाँ पे ये हम अंदर से आए थे आज। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ा था, उस पर गाँव के एंट्री में ही पब होता है। और ये छोटी सी एक मार्केट है, यहाँ पे वोलंबी टाउन है ये वोलंबी। और ये इधर पुलिस स्टेशन है। छोटा सा टाउन है ये। उस रास्ते में ऑलमोस्ट पहुँच गए हम वहाँ पे। ये मस्त नज़ारा, ये सब हमारे पास ही आ रही है। देख तो आज हम आए हैं द गोकुल फार्म। तो आपने देख ही लिया होगा कितनी सुंदर जगह है, आते ही अलग ही महसूस हो रहा है यहाँ पे। और ये इसकी एंट्री है, हमने रजिस्टर ऑनलाइन करा दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब करना होता है अंदर। गोकुल फार्म की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इनकी टाइमिंग्स वगैरह, वेबसाइट का लिंक और प्राइसिंग, टिकट्स वगैरह, बुकिंग वगैरह करनी कैसे करनी है। आपका नंबर लेते हैं ताकि आपको कोई इवेंट हो तो आपसे कांटेक्ट कर लें। और यहाँ पे गीता और बाकी अलग बुक्स भी अवेलेबल। ये देखिए यहाँ पे ना हर एक गाय का नाम है, उनके नाम बता रखे हैं फोटोज के साथ। जैसे ये लाली है, ये रामा, नैना, जानवी, बहुत सी, कम से कम 30-40 गाय हैं, उनका नाम सब कर लिखा है। ये अंदर का मंदिर है जहाँ पे कीर्तन, वैसे पूजा, अभी पूजा इसलिए अभी बंद है मंदिर क्योंकि वीकडेज में ये 1 से लेके 4 बजे तक बंद होता है। अब बाकी बाहर देख सकते हैं लेकिन मंदिर बंद होता है। ये इसमें यहाँ पे कीर्तन वगैरह का सारा सामान है और हर रोज़ सुबह और शाम को पूजा होती है यहाँ पे। ये महाराज जी की मूर्ति। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है, पीने का पानी, किचन भी। उसके पीछे का एरिया है, आगे मंदिर है, इधर ही गौशाला है। ये विजिटर्स पार्किंग है, पीछे से अगर आगे जगह ना हो तो पीछे आके भी यहाँ पे विजिटर पार्किंग है। और ये पीछे गाय है, इधर ये यहीं की ही गाय है गौशाला।
तरफ से ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ है, काइंड ऑफ वैली में है। सबको राम राम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मजा आए हुए गोकुल फार्म में। सिडनी से करीबन 2 घंटे दूर है ये, और यहाँ पे गाय हमारी, मोर, मोरनिया। यहाँ पे मंदिर वीक डेज में संडे के अलावा 1 से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। बाकी आप वैसे आप घूम सकते हो, पक्षियों को खाना खिला सकते हो, गायों को खाना खिला सकते हो, उनको पैट कर सकते हो तब तक। और संडे को पूरा दिन सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। तो देखो कि मोर बैठा है हमारा यहाँ पे, ये अपनी पंखे निकाल रहा है। एक बार साल में ये निकालते हैं, फिर दोबारा नई पंखे आते हैं इनके। तो आई थिंक मे बी ये 4 टाइम है सीजन का। और एक ही अंदर, ये अंदर है, ये अमरूद के, नींबू के, इन सब के पेड़ है। ये मोरनिया इंडिया की, और ये उन मोरनियों के पीछे हमारी मोरनी लिपिका जी। टच करने की कोशिश हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं। मेरा तो हमेशा मन कर रहा होता था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई मना ना करे, रोके टोके ना, और आराम से नेचर का मजा ले सके, आराम से कंट्री साइड बैठे। ये एक तरह से वही जगह है, अपनी जगह, अपना माहौल, मंदिर, आराम से बैठो, खाना वाना खाओ, पक्षियों को देखो और पूरा रिलैक्स करो यहाँ पे आके। ये इतनी सुंदर पेंटिंग बनी हुई है दीवार पे कृष्ण जी की। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अपने पेरेंट्स को लेके आओ, पापा मम्मी को बड़ा मजा आया यहाँ पे, जब भी पेरेंट्स आए जरूर लाओ यहाँ पे। ये दूर होराइजन पे जैसे तन्वी आ रही है, उधर कैंगरूज खड़े हैं देखो, वो छोटे छोटे शायद धीरे धीरे नीचे आएंगे वो, जैसे जैसे थोड़ी सी रोशनी धूप कम होगी। तो हम जा रहे हैं घर वापस। ये था हमारा छोटा सा टूर गोकुल फार्म, गोकुल धाम का। बड़ी अच्छी जगह है, जरूर आना एक बार जो भी देख रहा है। शुक्रिया सबको, राम राम।